तो कुछ अमाउंट गवर्नमेंट लेती है आपको ये देते हुए? नहीं सर, कुछ भी नहीं, एक रुपया नहीं, बिल्कुल भी फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट की तरफ से। फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट ये फैसिलिटी मिली हुई है। नमस्कार दोस्तों, दोस्तों मेरे सामने खड़ी हुई है एक इलेक्ट्रिक हैंडीकैप साइकिल जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। असल में दरअसल मैं इस रोड से गुजर रहा था तो मैंने इन भैया को देखा इलेक्ट्रिक साइकिल पर जाते हुए, जो कि हैंडीकैप पीपल के लिए है। और मेरा मन नहीं माना कि मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊँ कि ये इलेक्ट्रिक साइकिल कितने रुपए की है। और इनसे मेरी बात हुई तो इन्होंने बोला ये गवर्नमेंट के थ्रू मिली है, तो सारी डिटेल रिव्यू मैं इस वीडियो में दूंगा। उसके लिए आपको वीडियो में बने रहना पड़ेगा, वीडियो को अभी से लाइक कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो नमस्कार भैया। नमस्कार भैया। सर सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम सर नितिन शर्मा नाम है। अच्छा सर, शर्मा जी ये बताइए कि आपको ये नाव कितना समय हो गया लिए हुए? सर इसको करीब करीब 22 दिन हो गए। 22 दिन हो गए, तो कैसा परफॉर्मेंस है इसका, कैसे सर? बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, बहुत बढ़िया है, बढ़िया चल रही है। अच्छा, बहुत बेहतरीन बेहतरीन। तो कैसा प्रोसेस होता है, आपने बताया कि आपने बोला था कि गवर्नमेंट के थ्रू, किस तरह से मिलता है ये? सर इसका सबसे पहले हमें विकास भवन अलीगढ़ में जाके इसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। विकास भवन में? ओके। जब ये उसका गवर्नमेंट से वहाँ से लौट आता है तब हमको टेलीफोन किया जाता है, ठीक है, तब हमें बुलाया जाता है। जब उसको तो कुछ अमाउंट गवर्नमेंट लेती है आपको ये देते हुए? नहीं सर, कुछ भी नहीं, एक रुपया नहीं, बिल्कुल भी फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट की तरफ से। फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट ये फैसिलिटी मिली हुई है हैंडीकैप पीपल, जो दिव्यांग लोग होते हैं जो जी। अच्छा क्या शर्त रहती है, किन लोगों को, मतलब दिव्यांग भी की भी कैटेगरी होती है? जी जी सर। तो क्या शर्त रहती है, किन लोगों को ये मिलता है? सर उन्होंने सर ये शर्त रहती है गवर्नमेंट की, जो कम से कम 80% होना चाहिए। अच्छा, यानी कि बिल्कुल भी चलने में समर्थ ना हो, असमर्थ हो। जी जी। ओके ओके। तो मतलब ये किसकी रेंज वगैरह क्या रहती है, कितना चलता है ये? सर इसका कम से कम 45 से 50 किलोमीटर चल जाता है। 45 से 50 किलोमीटर? जी जी। अच्छा आपने मुझे अभी अपने घर का एड्रेस बताया था और मैंने बोला था कि पुल भी पड़ता है, तो पुल पे आसानी से? हाँ जी सर, बड़े आराम से, एक बार नहीं दो दो बार चढ़ाई है और बड़ी आसानी से चढ़ जाती है। अच्छा, तो आपने मुझे बोला कि 45 से 50 इसका माइलेज रहता है, जो भी रेंज रहती है जी। तो बैटरी जो है वो कितने देर में चार्ज हो जाती है इसकी? सर 2 से 2.5 से 3 घंटे में। कौन सी बैटरी लगी हुई है? लिथियम बैटरी है। लिथियम बैटरी लगी हुई है। अच्छा, फ्रेंड्स मैं इसका वॉक अराउंड कराता हूँ। जिस तरह से साइकिल के टायर होते हैं, इसी तरह से उसका फ्रंट का टायर है, पीछे के दो टायर हैं, देख पा रहे हैं जिस तरह से, और स्पोक्स में है और एक छोटा सा बॉक्स दिया हुआ है। ये देखिए ये खुल गया और ये कुछ इस टाइप से है। भैया बैटरी कहाँ लगी हुई है इसकी? भैया बैटरी इसकी यहाँ लगी हुई है, ये लगी हुई है बैटरी। तो दोस्तों जो लिथियम की बैटरी है वो इसके जस्ट, जो ड्राइवर है जो बैठेगा उसके जस्ट नीचे है। ब्रेकिंग सिस्टम बिल्कुल साइकिल की तरह दिया हुआ है, देखिए इस टाइप से ही दिया हुआ है, और उसका बैकलाइट भी दिया हुआ है। जी सर देखिए दोस्तों, ये इसकी बैक लाइट है जैसे नॉर्मल एक व्हीकल में होती है, और ये इसका इग्निशन स्विच है, यहाँ से ये गाड़ी स्टार्ट होती है। और मीटर का हिसाब किताब बताइए किस टाइप से क्या क्या होता है इसका, मतलब? सर यहाँ से ये चालू होती है, ठीक है। तो सर ये बताते हैं इसका फुल चार्ज है, कितना चार्ज है, कितना किलोमीटर? अभी ये फुल चार्ज है। जी सर। अच्छा ये स्विचेस वगैरह दिए हुए लाइट? सर ये LED लाइट है आगे के फ्रंट के लिए। अच्छा हाँ दोस्तों, LED जैसे रात वगैरह में अगर चलानी है तो आराम से विजिबल, रात में चलाई आपने? हाँ जी सर चलाई है, तो आराम से दिख जाता है। बड़े आराम से सर, बेहतर। अच्छा 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 अच्छा, और क्या क्या इंडिकेटर वगैरह? सर इसके ये इंडिकेटर है। इंडिकेटर कहाँ चल रहे हैं? पीछे। अच्छा पीछे दिए हुए हैं दोस्तों इंडिकेटर इसके, तो अगर ये इंडिकेटर देंगे तो पीछे, और बजर भी दिया हुआ है, इंडिकेटर का बजर भी है। राइट राइट। और क्या क्या फंक्शन है इसमें आप बताएं? इसका ये हॉर्न है, तो दोस्तों हॉर्न की व्यवस्था भी है, देखिए हॉर्न भी है, बहुत बढ़िया फैसिलिटी सरकार की तरफ से। आगे भी चलती है? अच्छा अच्छा, जैसे कि ये आगे चलेगी, ठीक है आगे चल गई। और बैक गियर भी है, रिवर्स गियर भी है, पीछे कर दो तो कैसे चलेगी? इसका ये रिवर्स गियर चलेगा। रिवर्स गियर के लिए कुछ करना पड़ता है? हाँ जी सर। अच्छा तो दोस्तों मैं दिखाता हूँ रिवर्स गियर, यानी कि बैक जाने के लिए क्या करना पड़ता है। सर देखिए ये इसका रिवर्स हो गया। ओके, अब इसका एक्सीलेटर देंगे, ये आपका ये बैक हो जाएगा। बैक हो जाएगी, यानी कि आर की तरफ करेंगे तो बैक, और फ्रंट की तरफ करेंगे तो सीधे चलेगी, सामने चलेगा। तो सर शर्मा जी ये मुझे बताइए, बहुत से पीपल ऐसे हैं जो हैंडीकैप्ड हैं और 80% भी हैं, तो किसी भी जिले में विकास भवन में जाएं और इसका रजिस्ट्रेशन कराएं तो ये गाड़ी आपको अगर लॉट में होगी तो जरूर मिलेगी। हाँ, हाँ, जी जी। तो दोस्तों अगर आपको भी ये गाड़ी की जरूरत है तो आप नियरेस्ट जो आपका विकास भवन है वहां से ये गाड़ी ले सकते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म के थ्रू। कोई चार्ज शर्मा जी नहीं है? एक रुपया भी नहीं है, बहुत बढ़िया फैसिलिटी है। शर्मा जी ये बताइए हमारे व्यूवर्स को, आप संतुष्ट हैं इस गाड़ी को लेकर? सर 100% संतुष्ट है सर। तो इससे पहले कौन सी गाड़ी चलाते थे आप? सर हाथ वाला एक रिक्शा चलाता था, हाथ उससे तो काफी हाथ में दर्द हो जाता था सर, काफी दर्द हो जाता था, पुल पे किसी को मदद लेनी पड़ती थी जो पुल पे चढ़ते हैं। हाँ हाँ, जैसे काफी लंबी होती है तो किसी का धक्का लगाने के लिए किसी का वेट करते थे, सर धक्का लगा दीजिए प्लीज। हाँ, तो उसमें इसमें किसी की कोई किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, इसमें तो
चल जाता है आराम से आराम से। हाँ। तो घर पर जब आप जाते हैं तो कैसे आप मतलब इसको चार्ज वगैरह करते हैं? हाँ। हेल्पर सर? हाँ नहीं नहीं, ये इसका चार्जर है, ठीक है, यहाँ से ये खुलता है। अच्छा अच्छा, ये खुल गया, ठीक है, और ये इसका चार्जर है। ओके ओके, इसमें लग जाता है, इसमें पिन लगा दीजिए और चार्जर। चार्जर आप अपने साथ में रखते होंगे ना इमरजेंसी केस? हाँ, वैसे तो साथ में रखते हैं, लेकिन मैं लोकल आया तो इसमें से लेके नहीं आया हूँ। हाँ, क्योंकि जरूरी भी है कि रास्ते में कहीं बंद हो जाए, बैटरी डिस्चार्ज हो जाए, तो चार्जर आपको साथ में रखना जरूरी भी है। अच्छा अच्छा, तो हाथ वाला चलाते थे, अब इससे आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं? कितना दिन हो गया इसको लिए हुए? सर 22 दिन हो गए लगभग। अच्छा, तो मैं आपका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अगर किसी को और जानकारी की जरूरत हो आप उनको बता सकते हैं। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन भैया का नंबर और नाम दे दूंगा, तो आप डायरेक्ट इनसे फोन करके किस तरह से इनको ये इलेक्ट्रिक साइकिल बाइसिकल मिली है जो हैंडीकैप्ड पीपल के लिए होती है, तो वो इन भैया से डायरेक्ट फोन करके जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो थी आपकी जानकारी के लिए, सिर्फ आपकी जानकारी के लिए, मेरा दिल नहीं माना आपके लिए बनाई है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए तो कर देना सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह की जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।